shame, 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 shame. Bihar police, shame, 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 shame. Mahenoor को इंसाफ देना होगा, देना होगा, देना होगा. Mahenoor को इंसाफ देना होगा, देना होगा, देना होगा. बिहार पुलिस शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो. मोदी गवर्नमेंट शर्म करो. वो है औरत जिसके कदमों तले है जन्नत, वो है औरत. तू जिसका भाई है वो है औरत, तू जिसका बेटा है वो है औरत, तू जिसका कल बाप बनेगा वो भी है औरत, जिसका नसीब है वो भी है औरत. कुछ तो शर्म कर, कुछ तो एहसास कर उस जात का जिसका नाम है औरत. तो आज मैं औरत के बारे में इसलिए बोलना चाह रही हूँ, दिन ब दिन औरत के नाम पर इतना जुल्म बढ़ते जा रहा है समाज में. लड़कियों के रेप होते हैं, औरतों के रेप हो जा रहा है. ये बढ़ने का कारण क्या है? बढ़ने का कारण यही है, इनको कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाती है. कैपिटल पनिशमेंट नहीं देने से ये जो दरिंदे हैं, जो ये रेपिस्ट हैं, ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं हमारे समाज में. जब तक ये दरिंदों को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, जब तक इन्हें फांसी पे लटकाया नहीं जाएगा, दूसरे लोग अवेयर नहीं होंगे. अगर दूसरों को अवेयर करना है, दूसरों को रोकना है, तो ये दरिंदों को फांसी की सजा देनी चाहिए. अगर गवर्नमेंट के आँख में पट्टी लगी हुई है, अगर आप लोग रेपिस्ट को सजा नहीं दे सक रहे तो आप हमारे खवातीन के हवाले कर दो. हम लोग क्या कर रहे हैं? हम करते हैं रेपिस्ट को. आज 10 दिन हो गए हैं माहेनूर के, अभी उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया, अभी उसका इंसाफ नहीं हुआ, उसके रेपिस्ट को सजा नहीं दी गई. आज हैदराबाद में एक और इंसिडेंट हो गया, गैंग रेप करके कार में एक बच्ची को मारा गया रेप करके. ये कब तक होते रहेंगे? कब तक हम सड़कों पे आते रहेंगे? और औरतों को आज किसकी जरूरत है? सुरक्षा की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है. हम लोग कहाँ मिल रही है शिक्षा? एक विडो औरत रहने, एक गरीब औरत रहने, हाउसमेट रहने, लेकिन एक शॉप खरीदती है, बिस्किट भी खरीदते, टैक्स बराबर पे करते हैं हम लोग. वैसे ही हमारा प्रोटेक्शन भी दीजिए, हम कहीं भी सेफ नहीं है. डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है हमारे साथ, प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है हमारे साथ, हमारे साथ जोर ज़्यादाती चल रही है, कहीं भी हम लोग सेफ नहीं है. क्या कर रही है गवर्नमेंट? जब सुबह होती है तो सीधा अजान पे जाते हैं, मदरसे पे जाते हैं, हिजाब पर जाते हैं, हिंदू मुस्लिम मस्जिद राम. क्या चल रहा है ये? हम कहाँ जाएंगे हम औरतें? कब तक ऐसे भटकते रहेंगे? कब तक हम कैंडल मार्च लेकर प्रोटेस्ट करेंगे गली गली में? हमको इंसाफ चाहिए. माहेनूर के लिए जल्द से जल्द उसको, उसके जो अक्यूज है वो मिनिस्टर का बेटा रहेंगे या फकीर का बेटा रहेंगे, सबके लिए कानून एक है. तो उसको अरेस्ट करना ज़रूरी है. अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो हम इस तरह सड़कों पर आएंगे. और वुमेन कमीशन जो रहते हैं चेयरमैन, उनको भी हम लेटर सबमिट करने वाले हैं. जल्द से जल्द माहेनूर को इंसाफ देना चाहिए, उनकी फैमिली को इंसाफ देना चाहिए. उनको जो भी उनका कंपनसेशन है, जो भी उनका लॉस हुआ है, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए. जिस समाज में औरत के लिए कोई सेफ्टी नहीं है, वो समाज एक जंगल की तरह है. वो जंगल जहाँ पे भूखे भेड़िए, ताकतवर भेड़िए रहते हैं, वो भेड़िए अपने से कमजोर जानवरों को नोचते हैं, खाते हैं. इसी तरह बिहार की एक बेटी, मासूम 16 साल लड़की, जिसने अपने करियर की शुरुआत ही की थी, एक नए सपने उसके आंखों में बुन रहे थे, लेकिन उससे पहले कुछ दरिंदों ने उसका किडनैप किया, उसको कंटिन्यूसली रेप किया और मर्डर करके फेंक दिया. अफसोस है आज 9 या 10 दिन हो गए हैं, उस केस में एक को भी अरेस्ट नहीं किया गया है. शर्म आनी चाहिए बिहार के सीएम को, एडमिनिस्ट्रेशन को. पता नहीं किस लिए खामोश है सीएम वहाँ के और एडमिनिस्ट्रेशन. मैं उन सभी लीडर से ये पूछना चाहती हूँ, अगर यही इंसिडेंट उनके खुद की औलाद के साथ हुआ होता तो तब भी ये